नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मोस एरोस्पेस ही भारत रूस के बीच जॉइंट वेंचर की वो कंपनी है जो परमाणु हमला करने में सक्षम सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइलों को बनाती है। यूक्रेन वॉर की वजह से कई पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं। माना जा रहा है कि इसका असर ब्रह्मोस मिसाइलों के प्रोडक्शन पर पड़ सकता है। क्या पश्चिमी देशों की ओर से रूस पर लगाए गए प्रतिबंध का भारत रूस की रक्षा साझेदारी पर कोई असर पड़ेगा? क्या इन प्रतिबंधों से ब्रह्मोस का निर्यात प्रभावित होगा? आइए बताते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दरअसल दोस्तों, ब्रह्मोस एरोस्पेस के चीफ अतुल दिनकर राणे ने इन सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि मॉस्को पर पश्चिमी प्रतिबंधों से भारत रूस रक्षा साझेदारी कभी नहीं बाधित होगी। ये विश्वास है जो इस साझेदारी को मजबूत करता है। बता दें कि अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए थे। ब्रह्मोस एरोस्पेस भारत और रूस के बीच एक जॉइंट वेंचर है जो परमाणु हमला करने में सक्षम सुपरसोनिक मिसाइल बनाने में माहिर है। यही कंपनी भारत के सबसे घातक ब्रह्मोस मिसाइल बनाती है और यही कंपनी वर्तमान में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस 2 को भी विकसित कर रही है। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों और रूसी टेक्निकल एक्सपर्ट के बीच का रिश्ता अभी इतना गहरा हो चुका है कि इसे तोड़ना संभव नहीं है। भले ही कोई भी देश भारत को कानून का वास्ता दे और कहे कि रूस के साथ और बात नहीं हो सकती है, आप किसी और से बात करिए, लेकिन भारत हमेशा रूस के साथ ही काम करना चाहेगा, क्योंकि रूस के साथ काम करना सबसे आसान होता है। भारत और रूस के बीच का विश्वास है जो पश्चिम के प्रतिबंध के बावजूद इस साझेदारी को आगे भी कायम रखने में मदद करेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि रूस पारंपरिक रूप से भारत के लिए हथियारों का सप्लायर रहा है। जहां तक रूस और यूक्रेन की युद्ध की बात है तो कई दूसरे पश्चिमी देशों के विपरीत भारत ने यूक्रेन वार के लिए रूस की सीधी आलोचना कभी नहीं की है। भारत संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे पर हुए वोटिंग से भी दूर रहा है। इस मामले में भारत का स्पष्ट रुख है कि इस संकट को संवाद और कूटनीति के जरिए सुलझाया जाए। दोस्तों, कई विदेशी देश ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं, जिनमें फिलीपींस से पहला ऑर्डर के साथ ही और 5 देशों ने अपने ऑर्डर दिए हैं। इस साल के मध्य में फिलीपींस को ब्रह्मोस हथियारों की सप्लाई भी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका के प्रभाव में भारत रूस के साथ अपना सालों पुराना संबंध तोड़ देगा? आप अपनी राय नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।